हाय फ्रेंड्स, तो क्या हाल है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों आज हमारे पास जियो की तरफ से जियो फोन प्राइमा 4G है। इसकी ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल रखी है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो उसको आप जाकर देख सकते हो, काफी अच्छी वीडियो है। इस फोन को यूज करते हुए मुझे लगभग 15 से 20 दिन हो गया और जो चीजें मैंने इस फोन के अंदर नोट की है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जियो ऑलरेडी टेलीकॉम में इंडिया का नंबर वन ब्रांड बना हुआ है, बहुत बड़े यूजर बेस को लेकर बैठा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जियो के कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो अभी तक स्मार्टफोन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो दोस्तों जियो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऑलरेडी कई ऐसे फीचर्स फोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर चुका है। यहाँ पर जो हाल ही में इन्होंने अपना फीचर्स फोन लॉन्च किया जियो फोन प्राइमा 4G, दोस्तों ये काफी अच्छा फोन है, इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बट इसका जो प्राइस है वो थोड़ा महंगा आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों इस फोन की डिजाइन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको दो कलर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फिलहाल ये मार्केट के अंदर आपको ब्लू कलर के अंदर मिल रहा है, अब किसी भी नियरेस्ट जियो स्टोर जाइए और वहां पर ये फोन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो इसका येलो कलर है वो अभी तक मार्केट के अंदर आया नहीं है, तो दोस्तों जब भी येलो कलर का फोन मार्केट के अंदर आता है तो हम उसकी वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, दो कलर्स में ये आपको देखने को मिलेगा। येलो कलर में काफी शानदार फोन ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिजाइन काफी अच्छी है इस फोन की। दोस्तों अब यहाँ पर फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब आसानी से यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको जियो सिनेमा का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। दोस्तों जियो का कोई भी ऐप है वो सारे ऐप आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं, दोस्तों काफी अच्छा जो ऑप्शन है जियो ने इस जियो फोन प्राइमा के अंदर ऐड किया है, इससे आप UPI ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज यहाँ पर जियो ने अपने इस फोन के अंदर ऐड की है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हर एक बंदे का बैंक में अकाउंट है और वो अपने फोन से अपने अकाउंट को लिंक रखता है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास जियो फोन प्राइमा है तो आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो UPI के थ्रू। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन आपको जियो फोन प्राइमा के अंदर देखने को मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई ऐसा फंक्शन है, ये ऑलरेडी कई सारी डिवाइसों के अंदर, कई सारे जो जियो के फीचर्स फोन थे, कीपैड फोन थे, उनके अंदर ये आ चुका है। ये कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये आया है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर ये काफी बेहतर यहाँ पर जियो ने किया है, ये काफी अच्छी चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस फोन के कैमरे से फोटो वगैरह निकालते हो तो दोस्तों वो ठीक ठाक से आपको फोटो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर डिस्प्ले और बैटरी के ऊपर काफी अच्छा काम जियो ने यहाँ पर किया है। 1 ईयर की रिप्लेसमेंट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। बाय चांस आपके फोन के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप इसको रिटर्न करा सकते हो, रिप्लेस होकर नया फोन आपको मिल जाएगा। इस फोन के अंदर कई सारी चीजें आपको बेहतर देखने को मिलती है, फीचर्स, डिजाइन और काफी अच्छी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। के अंदर जो प्राइस है वो जियो ने काफी महंगा यहाँ पर रखा है, क्योंकि दोस्तों जियो ने ऑलरेडी अपने कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनको ऑलरेडी इन चीजों के साथ मार्केट के अंदर पेश किया है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के साथ। तो दोस्तों ये कोई नया फोन नहीं है जियो के लिए, यूजर्स फीचर्स फोन यूज करते हैं उनके लिए काफी बेटर होता अगर इसका प्राइस कम होता। यहाँ पर जियो ने इसका प्राइस 2500 से 2600 रुपए के बीच में तो दिया है, ये काफी महंगा हो जाता है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं, और कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने फीचर्स फोन 4G के अंदर बना रहे हैं, जैसे आईटेल हो गया, उनके अंदर काफी अच्छी डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाती है, बट जियो के इन फोनों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बनता है, प्लस 1 ईयर रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, काफी अच्छा फोन आपको ये देखने को मिल जाता है, तो दिक्कत कुछ है नहीं, फोन एक नंबर आपको देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बट इसका जो प्राइस है, प्राइस आपको काफी महंगा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।